बड़ी खबर है, महिला कोच विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आ रही है चंडीगढ़ से। आपको बता रहे कि संदीप सिंह के आवास पर फिर पहुंची है पुलिस। तो अब से कुछ ही देर पहले नोटिस दिया गया था और अब आवास के बाहर पुलिस ने बैरिगेटिंग भी कर दी है। महिला कोच के बयान कोर्ट में दर्ज फिलहाल कर लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि बयान दर्ज होने के बाद पुलिस पहुंची है संदीप सिंह के आवास पर, उनके बाहर आवास के बाहर बैरिगेटिंग कर दी है। पहले नोटिस देने अधिकारी पहुंचे थे और उसके बाद अब बैरिगेटिंग उनके आवास के बाहर कर दी गई है। देखिए तस्वीरें सामने आ गई है जहाँ पर सभी पुलिस जो पुलिस के अधिकारी है वो भी उनके आवास के बाहर ही मौजूद है और साथ ही साथ उनके आवास के बाहर बैरिगेडिंग भी की गई है। फिलहाल महिला कोच के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पहले नोटिस देने अधिकारी पहुंचे थे और अब बैरिगेटिंग उनके आवास के बाहर कर दी गई है। तो इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, जिस तरीके से सुबह देखा गया था जहां पर सबसे पहले संदीप सिंह को नोटिस यहां पर दिया जाता है और उसके बाद अब बैरिगेटिंग कर दी गई है उनके आवास के बाहर, क्या कुछ वहां पर हलचल बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले एक पुलिस के अधिकारी जो है वो राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर आए थे, उन्होंने एक नोटिस उनको दिया था पूछताछ में शामिल होने के लिए और इसके बाद अब चंडीगढ़ पुलिस के बाकी जो अधिकारी हैं वो संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। दरअसल दूसरी तरफ जो पीड़िता है इस मामले में जूनियर महिला कोच, उसके बयान दर्ज हो गए हैं चंडीगढ़ की जिला अदालत में और वो बयान दर्ज होने का ही एसआईटी इंतजार कर रही थी, क्योंकि बयान दर्ज होने के बाद ही पूछताछ में जो वो शामिल किए जाने की जानकारी सूत्रों से मिल रही थी। तो ऐसे में एक तरफ चंडीगढ़ की जिला अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, क्योंकि जब पहले एक पुलिस अधिकारी नोटिस देने आए थे तब भी इस तरीके की स्थिति बनी थी कि मीडिया उनसे बातचीत करना चाहता था और वो बिना बातचीत करके निकलना चाहते थे, तो इसी के चलते बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। जानकारी यही है कि पूरी तरीके से आज पूछताछ जो है वो इस मामले में संदीप सिंह से एसआईटी करने वाली है। बिल्कुल पवन जी, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी आज सुबह पहुंचते हैं उसके बाद बैरिगेटिंग यहां पर कर दी जाती है, ऐसे में अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है, उनसे कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए इस पूरे मामले में पुलिस के जो अधिकारी नोटिस देने आए थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी, उन्होंने कोई बातचीत मीडिया से नहीं की और इसके बाद फिर पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करना शुरू किया और एक पुलिस अधिकारी जो है वो दोबारा से इनके आवास पर पहुंचे, तब ये जानकारी सूत्रों से मिली है कि दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ की जिला अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज हो गए हैं और वो बयान दर्ज होने के बाद एसआईटी को अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, संदीप सिंह को पूछताछ में शामिल करना है, उनसे पूछताछ होनी है। लिहाजा अभी जो पुलिस है वो संदीप सिंह के आवास पर दूसरी बार पहुंची है, बैरिकेडिंग उनके आवास के नजदीक कर दी गई है। जी चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आवास के बाहर पुलिस ने बैरिगेटिंग कर दी गई है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले नोटिस देने के लिए अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे थे और अब उनके घर के बाहर भी पुलिस द्वारा बैरिगेटिंग की गई है। तो बयान दर्ज होने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची है, पहले नोटिस देने के लिए अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे थे और अब बैरिगेटिंग उनके घर के बाहर कर दी गई है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि कोर्ट में महिला कोच के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। तो आवास के बाहर पुलिस ने बैरिगेटिंग कर दी है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि महिला कोच विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, संदीप सिंह के आवास पर फिर पुलिस पहुंची और उनके आवास के बाहर बैरिगेटिंग भी कर दी गई है।